गुड मॉर्निंग। आज का सेशन जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे लॉबस्टर कल्चर को लेके, तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ फ्री अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑन अ वर्ल्ड फिशरीज डे 2022। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट फॉर आवर अपकमिंग वीडियोज़। इट इज़ अ इनिशिएटिव टूवर्ड्स द सक्सेस ऑफ एक्वा कल्चर। और जितना भी कंटेंट होगा वो हमारा हिंदी और इंग्लिश में होगा। एक कदम मत्स्य पालन सफलता की ओर। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे लॉबस्टर कल्चर को लेके, तो चलिए शुरू करते हैं। सस्टेनेबल लॉबस्टर एक्वा कल्चर। तो ऑलरेडी 96 से लेके 2006 तक बहुत ज़्यादा लॉबस्टर बूम पर था और उसके बाद डिग्रेड हुआ, जिसके बाद टाइगर श्रिम्प, जिसे आप और वाइट लेग श्रिम्प दोनों का कल्चर उसमें होने लगा। अब दोबारा से वो वर्ल्ड वाइड हो रहा है और काफ़ी हाई वैल्यू स्पीशीज़ है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लॉबस्टर कल्चर के लिए आपके वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो सैलिनिटी है अराउंड 25 पीपीटी होना चाहिए उसके अच्छे सर्वाइवल के लिए, उसका जो हैबिटेट है। पीएच जो है आपका 7.8 से 8.2 तक होना चाहिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन ग्रेटर 4 ppm होना चाहिए। एल्कलिनिटी जो है ग्रेटर देन 120 ppm, हार्डनेस 1000 ppm। और जो गैसेस हैं उनका आपको ध्यान रखना होगा, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड है, आपका टोटल अमोनिया है, अनआयनाइज्ड अमोनिया है, नाइट्राइट है। और स्पेशली आपको मिनरल कंपोजिशन का ध्यान रखना है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम 1:2 या 1:3 और जो आपका सोडियम और पोटेशियम है 30:1। ये उसके गुड सर्वाइवल और गुड ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होगा। कुछ आपकी कॉमन स्पीशीज़ हैं जो लॉबस्टर कल्चर के लिए आपका रिक्वायर्ड है और जो सस्टेनेबल भी है, जिसमें स्पाइनी लॉबस्टर सबसे ज़्यादा टॉप पर लीड करता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका रिक्वायरमेंट है। जब इसका कल्चर 96 से लेके 2005 2006 तक बूम पर था तो किसकी वजह से कल्चर क्रैश हुआ? एक मिल्की डिजीज में हुआ था, जो बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम आता था, जिसकी वजह से जितने भी कमर्शियल कल्चर थे वो ऑलमोस्ट बंद हो गए थे। तो जो सबसे पहला है लॉबस्टर सीड आपका, कि जैसे आप अपना श्रिम्प में छोटा करते हैं, स्टॉक करते हैं अपना नर्सरी पॉन्ड में, उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें भी कर सकते हैं, पर उसमें सर्वाइवल आपका बहुत कम रहता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कल्चर कर रहे हैं तो आप अपना बड़ा ही सीड स्टॉक करें। लॉबस्टर जुवेनाइल्स आर कॉट मेनली बाय पर्सिन्स, ट्रैप एंड डाइवर्स। द जुवेनाइल आर 1 to 15 centimeter long. The preferred size is 4 to 6 centimeter. From December to April, the seeds are small, 1 to 2 centimeter on average, while May to November yields जुवेनाइल of 5 to 7 centimeter. तो जो आपका अच्छा रहेगा आपके कल्चर करने के लिए, उसमें आपको ग्रोथ भी अच्छा आएगा, सर्वाइवल भी अच्छा आएगा और सस्टेनेबल भी होगा आपका कल्चर। डिफरेंट टाइप्स के आप उसमें कल्चर कर सकते हैं, जैसे अगर आप अपना सी बेल्ट के पास हैं तो केज में आप कर सकते हैं, फ्लोटिंग केज में कर सकते हैं, वुडन फिक्स केज बना सकते हैं अगर आप लो कॉस्ट में करना चाहते हैं, सबमर्ज केज में कर सकते हैं, पॉन्ड में कर सकते हैं और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कर सकते हैं, जिसमें इंडोर कल्चर आएगा। तो आप फिल्ट्रेशन वगैरह पे ध्यान रखें, जैसे आप अपना क्रैब वगैरह का कल्चर कर रहे हैं, सेम इसके लिए भी आप कल्चर कर सकते हैं। फीड मार्केट में देखेंगे तो कोई भी ऐसा परफेक्ट कमर्शियल फीड अभी उसमें अवेलेबल नहीं है। तो लॉबस्टर आर फेड एक्सक्लूसिवली विथ फ्रेश होल और चॉप्ड फिश एंड शेल फिश लाइक लेजार्ड फिश, पॉनी फिश, पॉम्फ्रेट, स्नेल्स, ऑयस्टर, स्मॉल स्विमिंग क्रैब्स, अदर क्रैब्स एंड श्रिम्प। तो जो भी आपके पास फ्रेशली अवेलेबल है आप उसको दे सकते हैं। स्मॉल लॉबस्टर को जो आपको फीडिंग कराना है 3 to 4 टाइम्स, और जो लार्ज लॉबस्टर है जिसे आप 300 ग्राम 400 ग्राम से ऊपर के, उनको 1 से 2 बार पूरे दिन में फीडिंग कराएंगे तो वो सफिशिएंट रहेगा। अब पैलेट फीड यूजिंग लोकल इंग्रेडिएंट्स एज वेल एज टेरेस्ट्रियल प्रोटीन, तो आप उसको लोकली जो भी आपके पास फीड है उसको पैलेट फीड में कन्वर्ट करके भी आप दे सकते हैं। तो आपको बैलेंस करना होगा ग्रेटर देन 40% प्रोटीन से, जो उसके सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। कुछ भी आपके क्वेश्चन हैं, सजेशन है, कमेंट नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। और भी किसी विषय पर आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो उसके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम अपनी टीम के साथ पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के साथ वो डिटेल आपको देने का कोशिश करेंगे। अगर आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें 9971155753 पर मैसेज कर सकते हैं। वी आर एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेसेस, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज़ एंड सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट। We are working as a progressive farmer, training and knowledge partner, consultant, business planner and partner. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़